अज असी तुहानू इंडिया के एक अजिहे राज बारे जानकारी देवांगे जिस की खूबसूरती पूरी दुनिया के मशहूर है। इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस राज नू। इत्थों दा खाना ते इत्थों दे लोग काफ़ी ज़्यादा कमाल दे हन। जेकर तुसी धार्मिक ख्यालों के हो तो तुहानू जरूर एक बार इत्थे आना चाहिए है, क्योंकि इत्थे बहुत बड़े बड़े विशाल ते पुरातन मंदिर मौजूद हैं। तो इस स्टेट के दलाई लामा का घर भी है। अज्ज दी इस वीडियो दे विच असी तुहाडे नाल जानकारी सांझी करांगे बहुत ही सोहणियां वादियां दे नाल घिरे हुए एक राज हिमाचल प्रदेश की। इस वीडियो दे विच असी तुहानू दस्सांगे हिमाचल देश दे नाल जुड़ी हुई हर छोटी तो छोटी जानकारी ते उत्थे किहड़े किहड़े घूमण वालियां थावां ने। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं हां तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जोत टीवी। जेकर तुसी साडे नाल किसी भी तरह का कोई राबता कायम करना चाहते हो तो तुसी साडे इंस्टाग्राम पेज जो टीवी ऑफिशियल के उपर जाके सानू मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक असी डिस्क्रिप्शन दे विच पाया है। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी 70 लाख के आस पास है। हिमाचल प्रदेश दी दो राजधानियां ने, एक है शिमला ते दूजी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश दे विच कुल 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश शुरू तो ही लोक कथावां दा राज रहा है। इसनू यक्षो कंदरू अते किन्नरा दा राज भी मनिया जाता है। इसका नाम हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की गोद दे विच वसे होने करके पिया है। पुरानियां कथावां अनुसार हिमाचल प्रदेश के उपर मोरिया गुप्त अते कमोज वंश का शासन रहा है। अंग्रेजों ने इतों के गोरखे लोगों को हरा के इतों के कुछ राजियों के नाल दोस्ती कर ली सी। आजादी तो बाद 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 1954 बिलासपुर भी इस शामिल कर दिता गया। पंजाब रीओरगनाइजेशन एक्ट 1966 के अनुसार पंजाब के भी कुछ हिस्सों हिमाचल प्रदेश के शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 पूर्ण राज का दर्जा मिलया। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज है। इसका तो बढ़ता हिस्सा धौलाधार रेंज की तलहटी से मौजूद है। 7025 मीटर उच्ची चोटी हिमाचल प्रदेश की सब तो उच्ची हिमालय की चोटी है, जिड़ी के देखने दे विच बहुत ज्यादा सोहनी लगती है। यह पूरे का पूरा राज ही हिमालय पर्वत की गोद दे विच वसिया होया है। सिंधु और गंगा नदियां दोनों ही हिमाचल प्रदेश के विचों निकलदियां हन। हिमाचल प्रदेश विच भी इंडिया के दूजे राज्यों की तरह वख-वख संस्कृति है। इत्थे भी बहुत सारिया बोलियां बोलिया जांदियां ने। इत्थे बोलियां जाण वालियां मुख्य भाषावां ने हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी, मंडली, कांगड़ी और कनौरी। हिंदू समाज ब्राह्मण, राजपूत, कनेट, राठी रहिंदे हन। आदिवासियों दे विचों इत्थे गाटे, स्किनर, गुज्जर, पनवाल ते लाहौली रहिंदे हन। हिमाचल अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री दे लई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इत्थों दी पश्मीना शॉल दी मंग पूरे देश दे विच है। इत्थों दे लोक त्यौहार बहुत ज्यादा मनाउंदे हन। इत्थे त्यौहारां दे विच पौड़ी, लोहड़ी, होली अते कुल्लू दशहरा, रखड़ियां मुख्य त्यौहार हन। हिमाचल दे लोकां नूं नचणा ते गाउणा बहुत ज्यादा पसंद है। हिमाचल प्रदेश दे खाणे नूं बहुत ज्यादा वधिया मन्निया गया है। जेकर तुसीं नॉन वेज दे शौकीन हो तां हिमाचल प्रदेश तुहाडे लई जन्नत है, क्योंकि इस प्रदेश दे विच कई तरह के नॉन वेज खाने नूं बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का वातावरण सारा साल ही काफी वधिया रहिंदा है। 2 जुलाई 2013 हिमाचल प्रदेश नूं देश का पहला धुआं मुक्त राज घोषित किया गया है। इत्थे तुहानूं चारे पासे ही अपने साफ सुथरा नजारा देखण नूं मिलेगा, क्योंकि इत्थों के लोग साफ सफाई नूं लैके बहुत ज्यादा सीरियस हन। हालांकि यह भी सच है कि जिहड़े लोग इत्थे घूमण आउंदे हन उह इत्थे बहुत ज्यादा गंदगी फैलाउंदे ने। हिमाचल का मौसम काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि यह चारे पासियां तों पहाड़ां दे नाल घिरिया होया है। इसलिए तुहानूं कदे भी इत्थे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। इसलिए इतने ज्यादातर टूरिस्ट जून ते जुलाई के महीने आते हैं, जो पूरे देश दे विच काफी ज्यादा गर्मी पै रही होंगी है। उस वक्त भी इतने ठंड होंगी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की कमाई का मुख्य साधन टूरिज्म अते इतों की सेब की खेती है। हिमाचल का सेब काफी ज्यादा टेस्टी होंगे है। इतों के सेब न पूरे देश दे विच एक्सपोर्ट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश दे विच तुहानू कई वड्डे वड्डे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिवें कि कांगड़ा देवी अते तारा देवी। हिमाचल प्रदेश दे विच होर भी बहुत सारिया धार्मिक थावां ने जिन्हां दे दर्शन करने लई पूरे देश तों श्रद्धालु इतने आते रहते हैं। हुण तुहानू दस्सांगे हिमाचल प्रदेश दीआं मेन मेन थावां जिथे तुसीं गर्मियां जां सर्दियां दे विच घूमण जा सकते हो। नंबर एक ते है जी शिमला। यह उत्तरी भारत का सब तो मशहूर हिल स्टेशन है। शिमला 2200 मीटर की उचाई से मौजूद इंडिया का सब तो फेमस टूरिस्ट स्टेशन है। सोहनिया पहाड़ियां ते जंगलों के विचकार वसिया होया एक बहुत ही सोहना हिल स्टेशन है। शिमला के माल रोड, रिज ते टॉय ट्रेन इत्थे घूमण वाले सैलानियों की पहली पसंद होंगे हैं। शिमला ब्रिटिश भारत राज की गर्मियों की राजधानी होंदा सी। नंबर 2 के उपर है जी मनाली। मनाली पीर पंजाब अते धौलाधार पर्वत श्रेणियों की बर्फ के ढकिया हुई चोटियां के विचकार एक मौजूद छोटा जिहा हिल स्टेशन है। मनाली समुद्र तल तो 1950 मीटर की उचाई से स्थित है। यह कुल्लू जिले के पैदा है। मनाली हरे भरे जंगल, फुल, घा के मैदान से नीले रंग दी पानी दी धारां के विचकार मौजूद है। नंबर 3 ते आता है जी धर्मशाला। यह कांगड़ा तो 17 किलोमीटर की दूरी से मौजूद है। बर्फ के ढकी हुई धौलाधार पर्वत श्रेणी इस खास बनाती है। धर्मशाला दलाई लामा के निवास स्थान वजो भी जाने जाता है। यह शहर थले उपर दो हिस्सों के बंडिया गया है। थले वाले हिस्से धर्मशाला, उपर वाले
ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਕਲੌੜਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 12,500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਕਸੌਲ। ਕਸੌਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ। ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜੋਟੀਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋਟੀਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।